नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ बाढ़ का संकट है। नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण हाजीपुर के वैशाली प्रखंड का एक छोटा सा गांव डूब गया है। वहीं बाढ़ के पानी ने अनाज, कपड़ों और कीमती सामानों को नष्ट पहुंचाया है। देखिए, एक तरफ कोरोना की महामारी तो दूसरी तरफ बाढ़ का संकट। हाजीपुर के वैशाली प्रखंड अंतर्गत नारायणी नदी के तटीय इलाकों में बसा एक छोटा सा गांव अलहदारपुर जो नदी में आई अचानक पानी के कारण बढ़े जल स्तर के कारण डूब गया है। लगभग घरों को बाढ़ के पानी ने अनाज, कपड़ों और कीमती सामानों को नष्ट पहुंचाया है। कितनों के सामान को पानी बहा ले गई है। लोग अपने घरों को छोड़ बांध पर प्लास्टिक का रेन बसेरा बना रहे हैं, लेकिन प्रशासन सिर्फ मदद का आश्वासन दे रही है। मदद के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं पहुंच पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। एक तरफ कोरोना की महामारी तो दूसरी तरफ बाढ़ की विभीषिका। इस वक्त मैं वैशाली प्रखंड अंतर्गत नारायणी नदी के तट पर बसे कुछ ग्रामीण इलाके हैं जो रिंग बांध है। आप देख सकते हैं, ये रिंग बांध है, नारायणी तट का किनारा है। यहाँ तकरीबन 50-60 घर जो हैं वो झोपड़ी नुमा बसे हुए हैं। इन सबों में बाढ़ के पानी ने बिल्कुल तबाही मचा रखा है। आप देख सकते हैं, यहाँ लगभग घरों में पूरी तरह जो है पानी घुस चुका है और बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। इनके सामान जो है वो विस्थापित किए जा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ अनाज है, बहुत सारे कपड़े हैं, सभी के सभी भींगे हुए हैं, बहुत सारे अनाज बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ उन घरों के लोग भी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। देखिए, मवेशी जो है वो आश्रय ले रखा है अपने ऊँचे स्थलों पर। लोग अपना अपना जो है प्लास्टिक तान कर जो है रह रहे हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे जो है घर आगे हैं। एक ग्रामीण है, बहुत सारे, इनसे हम बात करना चाहेंगे। बताइए चाचा, कितने दिनों से ये परेशानी है? परेशानी हो गया 8 दिन से। 8 दिनों से परेशानी है, 8 दिन से हो गया है। जी जी, क्या आपका घर किधर हुआ? जी मेरा घर है। ये आपका घर है? क्या क्या जो है क्षति हुई है? बहुत ज्यादा अनाज पानी सब रख गया, उसी में सब जता हुआ है। सब जान हो गए, सब बर्बाद हो गए। सब बर्बाद हो गए, हमर तो चार बोरा गहूं बर्बाद हो गए। हो गला कि ना? अच्छा, कोई मदद करने आया? कोई नहीं मदद करने आया, सब देख देख के चल जा रहा है। क्या कर ले, मुखिया सरपंच खुद नहीं आया देखने के लिए कि क्या हुआ ना हुआ। कोई नहीं, नहीं वो गए ना मुखिया ना सरपंच। कोई वैशाली से थाना भी आया था, उस दिन भी सब यहाँ से लिख के गए, अभी कुछ नहीं भेजा है। हम लोग लिख के लेके जा रहे हैं तो आप लोग का पूरा व्यवस्था हो जाएगा। कुछ व्यवस्था नहीं किया। के हमारा वो लोग गिरवा दिया, बाकी हम लोग का सारा क्षति हो गया, सब माल मवेशी सब हम लोग निकल हो गया, सब हम लोग लेकर के बांध पर हम लोग आए। कोई सावधान नहीं हम लोग को रहने का। यहाँ अनाज है, मैं दिखाना चाहूँगा, ये अनाज है। सभी के सभी अनाज जो है बिल्कुल सड़ चुके हैं पानी में रखे रखे, और आगे भी घर है। ये देखिए, अब बताइए क्या परेशानी है आपको? ये आपका घर है? माल जाल सब चीज के आदमी की, सब के माल मता है, जितना है सब के परेशानी है। कोई मदद करने आया अभी तक? कोई प्रशासन का मदद देने आया? कोई नहीं आया, गांव जवार कोई नहीं आया है। किसी ने आपकी मदद नहीं ली? ना, कोई नहीं लिया, कोई मदद नहीं किया, कोई नहीं किया। मुखिया क्या, कोई नहीं मदद, कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं, ये हालात काफी नाजुक है। आगे भी बहुत सारे घर हैं जो पानी में बिल्कुल डूब चुके हैं, और अभी तक इन लोगों की कोई मदद नहीं मिल पाई है। वैशाली से एचबीएन के लिए अवधेश कुमार।